जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि आखिरकार ये भारत है क्या, असल में भारत है क्या, भारत की अपनी पहचान क्या है। भारत क्या सिर्फ सरहदों के भीतर 130 करोड़ लोगों का घर मात्र ही है क्या? आपका मन भी कहेगा जी नहीं। भारत एक राष्ट्र के साथ साथ एक जीवंत परंपरा है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक विस्तार है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मतलब सर्व पंथ संभाव, भारत का मतलब सत्यमेव जयते, भारत का मतलब अहिंसा परमो धर्म, भारत का मतलब एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य यानी सत तो एक ही है, इसको देखने का नजरिया अलग अलग है। भारत का मतलब वैष्णव भजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। भारत का मतलब है पेड़ और पौधों में भी ईश्वर का वास। भारत का मतलब है अप दीपो भव, यानी दूसरे से उम्मीद लगाने के बजाय स्वप्रेरणा की तरफ बढ़ो। भारत का मतलब है तेन तक्तेन भूंजी था, यानी जो त्याग करते हैं वही भोग पाते हैं। भारत का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। भारत का मतलब जन सेवा ही प्रभु सेवा। भारत का मतलब नर करनी करे तो नारायण हो जाए। भारत का मतलब नारी तू नारायणी। भारत का मतलब है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, महान है। भारत ऐसे ही अनेक आदर्शों और विचारों से समाहित एक जीवन शक्ति है, ऊर्जा का प्रवाह है। इसलिए जब भी भारत की एकता और श्रेष्ठता की बात आती है तो अपनी भौगोलिक और आर्थिक श्रेष्ठता के साथ साथ इन आदर्शों और मूल्यों की श्रेष्ठता भी उसमें समाहित